श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं और कल है शिवरात्रि। वैसे आपको मालूम है कि भोले के जितने भी भक्त हैं उन लोग के लिए शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्योंकि ये श्रावण की शिवरात्रि है इसलिए इसका एक विशेष महत्व है और इसमें किए जाने वाले जो उपाय है इसका भी विशेष महत्व होता है और इससे मिलने वाले फल का भी विशेष महत्व होता है। क्योंकि इस शिवरात्रि को जो भी लोग उपाय करेंगे, जो सभी उपाय करेंगे उस उपाय का जल्दी से जल्दी आपको फल मिलने वाला है, इसलिए सभी लोग इन उपायों को जरूर करेंगे। शिवरात्रि से संबंधित जो भी उपाय है वो आज के दिन आप जरूर करेंगे, क्योंकि ये श्रावण की शिवरात्रि है इसलिए इसका विशेष महत्व है। धन संबंधी परेशानी से अगर कोई इंसान जूझ रहा है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो ठेला ही क्यों ना चलाता हो, कोई व्यक्ति रोड पर बैठकर कपड़े ही क्यों ना बेचता हो, ट्रेन में छोटा मोटा सामान ही क्यों ना बेचता हो, या फिर वो मांगने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस प्रकार के व्यक्ति भी इस उपाय को करते हैं तो कुछ ही दिनों में उसका भाग्य बदल जाता है। अगर आप भी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, भगवान ना करे आप किसी प्रकार की पैसे की तंगी से जूझ रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इंसान पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपकी इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाए, जल्दी से जल्दी इस समस्या से आपको छुटकारा दिलाए, तो आपको शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। ध्यान रखें, शिवरात्रि कोई सी भी हो, 12 महीने शिवरात्रि होती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, साल भर में 12 बार शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को ये उपाय कर सकते हो। वैसे कल शिवरात्रि है, आप इस उपाय को कल भी कर सकते हैं। अगर श्रावण की शिवरात्रि को अगर आप करते हो तो उसका एक विशेष महत्व होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये उपाय क्या है और इसको कैसे किया जाता है, चलिए हम जानते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा थी, जिसमें पंच पुष्प कथा शिव महापुराण कथा थी, उसके अंदर जो पांच फूल के बारे में पंडित जी ने बताया था, उसी में से एक फूल है शमी का फूल। शमी का फूल, ठीक है, शमी का पुष्प। ध्यान रखें, अक्सर आपने उपाय सुने होंगे जिसमें शमी पत्र के बारे में गुरु जी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शमी के पत्र की बात नहीं कर रहे, शमी के पत्ते की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं शमी के फूल की। तो क्या आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप सुनने में आपको गलती हो जाए। मैं अभी शमी के पुष्प की बात कर रहा हूँ, शमी के फूल की बात कर रहा हूँ, शमी के पत्र की या शमी के पत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको शमी का एक फूल लेना है। ठीक है, शमी को का जो फूल है उसका एक फूल ले सकते हैं आप, एक से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन शमी का एक फूल लेना है और शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में। ध्यान रखें, शिवरात्रि का दिन होना चाहिए और प्रदोष काल होना चाहिए। प्रदोष काल आपको बताया गया है बार बार, प्रदोष काल कब होता है, शाम के टाइम। ठीक है, तो प्रदोष काल में आपको शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी के मंदिर में जाकर आपको बस करना क्या है, शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सिर्फ वो जो पुष्प है वो शिव जी को अर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग पर वो फूल चढ़ा देना है, बस इतना सा उपाय है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो पैसे की तंगी है उससे आपको निजात मिल गई है, वो समस्या आपकी सुलझ गई है और आपकी कमाई के नए नए स्रोत आपको दिखाई देने लगेंगे। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो कमाई के स्रोत हैं, यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो बढ़ गई है। पहले जहां पर आप कोशिश कर रहे थे वहां से आपकी कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद आपकी कमाई होना शुरू हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। आपको मालूम, बहुत ही साधारण सा उपाय है, शमी के पत्र की जगह आपको शमी के फूल का उपयोग करना है। शमी का फूल आपको शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाना है और शिव जी को वो फूल अर्पित कर देना। ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी उपाय करें, कोई भी चीज़ अर्पित करें, उस समय आपको मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और जो मंत्र है आपको मालूम है, बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हो, इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। और जब आप ये फूल चढ़ा रहे हों, जाप कर रहे हों, इसके बाद आप भगवान से अपनी जो मनोकामना है, जिसके कारण जिस वजह से आप ये व्रत इस उपाय को कर रहे हैं, वो जरूर कहना है। इसके बाद भगवान से प्रार्थना भी करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो मनोकामना है, वो भगवान पूरी करें। ठीक है, इस छोटा सा उपाय को आप इस शिवरात्रि जरूर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।